जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन वेलकम अगेन इन दिस ईवीएस क्लास। डियर स्टूडेंट्स यू नो वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली एंड इन दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू अबाउट द फैमिली मेंबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज लाइक न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली मीन्स स्मॉल फैमिली एज वेल एज बिग फैमिली एंड हियर we have also studied about the different characteristics or features which are matching with our parents. Okay, here we have also studied about the twins and triplets. Okay, and after that I have taught you about the different relations मीन्स जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे घर के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो हमारे किस रिलेशन में होते हैं और उन वो हमारे क्या रिलेशन में हैं और हम उनके क्या रिलेशन में हैं। ओके जैसे ये मैंने आपको इसमें लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके दादा दादी हैं तो वो आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं और आप उनके लिए क्या हो अगर आप लड़के हो तो आप ग्रैंड सन होगे अगर आप लड़की हो तो आप ग्रैंड डॉटर होगे अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के लिए। ऐसे ही डिफरेंट रिलेशंस हमने आपको इसमें एक्सप्लेन किए थे लास्ट टाइम एंड ये एक्सरसाइज बच्चों मैंने आपको दी थी। होप यू हैव फिल्ड इन योर बुक कि आपको आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं ये आपको लिखना था और आपकी फैमिली मेंबर्स के नेम आपको यहाँ लिखने थे जितने भी 4, 5 या 3 जितने भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं सबके नेम आप यहाँ लिखिए और वो फैमिली मेंबर आपके क्या रिलेशन में हैं वो रिलेशनशिप आपको यहाँ मेंशन करना। जैसे सपोज आपने यहाँ अपनी मम्मी का नाम लिखा तो आपको यहाँ क्या लिखना है मदर। ओके अगर फादर का नाम इस साइड लिखा है तो आपको उसको लिखना है यहाँ रिलेशन क्या है आपका फादर। ओके इन दिस वे यू हैव टू राइट ऑल द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स हियर एंड हियर यू राइट देयर रिलेशनशिप विद यू। ओके सो चिल्ड्रन अप टिल हियर I have taught you in the previous class. So let's start reading from this page. Next page, they have written sharing feelings means apni feelings ko share karna apne family members ke saath. So let's read what they have written. Often in families, you must have seen children being close to their grandparents. You must be also close to them. Amongst all our family members, we sometimes admire someone special and feel close to him or her. So children, इस first paragraph में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि generally ये बहुत commonly देखने को मिलता है कि हमारी families जो होती हैं उसमें हम अपने grandfather, grandmother जो कि हमारे grandparents होते हैं दादा दादी या नाना नानी हों बच्चे उनके बहुत क्लोज होते हैं। क्लोज मींस वो हर चीज उनके साथ शेयर करते हैं वो हर बात उनको बताते हैं इवन जो अपने पेरेंट्स को भी नहीं वो बोल पाते हैं वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से शेयर करते हैं। ओके और ये बहुत जरूरी भी है कि हमें या बच्चों को किसी ना किसी फैमिली मेंबर के बहुत ही क्लोज होना भी चाहिए ताकि आप अपने मन की जो भी विचार हैं या आप अपनी फीलिंग्स हैं वो आप अपने शेयर कर सकें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ।
ओके. सो हर फैमिली में ये होता है कि कोई ऐसा फैमिली मेंबर ज़रूर होता है जिसके हम बहुत करीब होते हैं, या वो फैमिली मेंबर ऐसा होता है जो सबका बहुत ही प्यारा होता है और सब उसके क्लोज होते हैं. ओके, सब फील करते हैं कि हम उसके बहुत ही क्लोज हैं, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या आपकी मदर हो या आपके फादर हो. ओके, सो ये चीज़ इन्होंने इस पैराग्राफ में दी है. सो वी इवन ट्राई टू बी लाइक दैट मेंबर, हमें भी हमारे ऐसे फैमिली मेंबर जैसा ही बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. ओके, सो दैट एनीबडी कैन शेयर देयर ऑल द फीलिंग्स विद यू ऑल्सो. ओके, दिस कुड बी ड्यू टू देयर गुड बिहेवियर, नॉलेज और द वे दे डील विद अस. सो व्हेनेवर वी फील लव्ड एंड केयर्ड इन अ स्पेशल वे, वी शेयर आवर फीलिंग्स विद दैट पर्सन. व्हेन वी आर सैड और वी वांट समथिंग, वी ऑलवेज अप्रोच देम. सो चिल्ड्रन, हियर दे हैव रिटन दैट ऑलवेज वी प्रेफर टू शेयर आर फीलिंग्स विद दैट पर्सन ओनली हुज बिहेवियर इज वेरी नाइस एंड हु हैज नॉलेज अबाउट ऑल द थिंग्स एंड हु कैन हैंडल आर प्रॉब्लम्स विद tenderness or with his nice nature. Okay, so that's why every member of the family feel comfortable to share all those problems with that person. Okay, आपने ही देखा होगा अपनी फैमिली में कि अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है जिसको आप थोड़ी सी कुछ बात बताते हैं और वो आप पे शाउट करने लग जाए कि नहीं तुम तो ऐसा ही करते हो, तुम्हारी तो हैबिट ऐसी है, या किसी भी बात पे हम उनसे कुछ शेयर करने लगते हैं तो वो अगर हमारे ऊपर ही बरसने लगते हैं या हमें डांटने लगते हैं तो नेक्स्ट टाइम से हम उनके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं. ओके, सो कुछ पर्सन हमारी फैमिली में ऐसे होते हैं जिनको जब हम कोई भी बात बताते हैं तो वो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत नॉलेजेबल तरीके से नाइस बिहेवियर हमें शो करते हुए वो हमसे बात करते हैं, हमारी बात सुनते हैं और हमें भी उनको अपनी फीलिंग्स बताने में अच्छा लगता है क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमें कभी भी इस चीज़ के लिए डांटेंगे नहीं और हमें आगे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए सही गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो ऐसा पर्सन जो फैमिली में होगा, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों या आपके पेरेंट्स हों या आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हों या आपके कजन्स हों, अंकल आंट हों, वो पर्सन सबको ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सब कंफर्टेबल फील करते हैं उसके साथ कोई भी बात शेयर करने के लिए. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट द बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स. मीन्स इन दिस पैराग्राफ वी हैव लर्नड दैट ऑलवेज वी शुड बी क्वाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन एंड वी शुड हैव पेशेंस टू लिसन अदर्स फीलिंग्स. ओके, ऑलवेज यू शो योर काइंड हार्ट towards others so that any other can also feel comfortable to share their feelings with you. Okay, so children,
Let's see, here also they have written some questions for you. So, ये questions भी बेटा आप लोगों के लिए हैं, आप अपने accordingly इसके answers लिखेंगे. Okay? First question जो दिया है इन्होंने वो है, With which family member do you like to share your feelings? इसमें क्या दिया है? कि आपकी फैमिली में कौन सा ऐसा फैमिली मेंबर है जिससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना पसंद करते हैं. ओके, सो आपकी फैमिली में कौन है ऐसा, आप उनका सिर्फ नाम यहाँ पे लिखोगे. ओके, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई है या फादर मदर में से कोई है या एल्डर सिस्टर ब्रदर हैं तो आप उनका यहाँ पे रिलेशन का नाम मेंशन करेंगे. नॉट दैट पर्सन नेम यू हैव टू राइट, यू राइट ओनली द रिलेशन, रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, कि आपके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं या ग्रैंड फादर. ओके, या ब्रदर सिस्टर जो भी हो. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू आर सैड होम डू यू गो टू. सेकेंड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जब आप बहुत उदास होते हो तो आप किसके पास जाते हो, उस पर्सन का नाम भी यहाँ आप लिखोगे. ओके, जब आपको बिल्कुल आपका मन न लग रहा हो, आप बहुत बोर फील कर रहे होते हैं तो आप किसके पास जाते हो, तो यहाँ पे जिस पर स्टूडेंट की ये बुक है उसने ग्रैंड मदर लिखा है. आपको जो भी फील आप करते हो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी बुक में फिल करोगे. थर्ड क्वेश्चन इज, होम डू यू एडमायर मोस्ट अमंग ऑल योर रिलेटिव्स. व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन दैट पर्सन. सो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं. एडमायर मीन्स किसी को बहुत ही पसंद करना, उसके साथ अपना सारी फीलिंग्स को शेयर कर सकना, ये एडमायर में आता है. ओके, सो आपके रिलेटिव्स में कौन, किसको आप एडमायर करते हो, किसको बहुत ज्यादा चाहते हो, और व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन दैट पर्सन, और उस पर्सन में जिसको आप बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स में आप पसंद करते हो, उसमें उसकी क्या ऐसी, कौन सी ऐसी आदतें हैं या क्या है उस पर्सन में ऐसा जिसको आपको, जिसको, जिसकी वजह से आप उनको पसंद करते हैं. ओके, सो पहले तो आपको फर्स्ट, ये जो इसमें इस क्वेश्चन में थर्ड में टू सब क्वेश्चंस हैं. ओके, तो फर्स्ट का आपको लिखना उनका रिलेशन कि कौन है वो, और उसके बाद ये लिखना है कि उस उनका आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है. तो जैसे इस बच्चे ने लिखा है, सिस्टर लव्स मी वेरी मच, कि वो, मेरी सिस्टर मेरे से बहुत प्यार करती है इसलिए वो मुझे अच्छी लगती है. और आप, आपको क्या आपके उस पर्सन का अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स इन योर फैमिली. आप अपने घर में जो बड़े हैं आपके घर में, उनको कैसे रिस्पेक्ट शो करोगे. ओके, और करते हो, आप कैसे उनको रिस्पेक्ट देते हो अपने घर में बड़ों को. सो हियर यू राइट योर फीलिंग कि आप कैसे रिस्पेक्ट देते हो. ओके, आपको पता है कि हम अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ लोग पैर छूते हैं. ओके, एंड कुछ लोग जो होते हैं वो विश करते हैं, कुछ लोग उनकी हेल्प करके उनको रिस्पेक्ट देते हैं. या आपका ये कैसा वे है, आप क्या करते हो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट शो करने के लिए, ये आपको अपने अकॉर्डिंगली लिखना है.
okay, don't copy from here. So after this, next our topic is relationship within family. कि हमारा जो रिश्ता होता है हमारे फैमिली में, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ. सो रिलेशनशिप विद इन द फैमिली, वी शेयर डिफरेंट रिलेशन विद आर फैमिली, विद ऑल आर फैमिली मेंबर्स. सम आर अंकल्स, आंट्स और ग्रैंडपा, ग्रैनी, एंड सम आर आवर भैयाज एंड दीदीज. वी हैव अ स्पेशल बॉन्डिंग विद ईच वन ऑफ देम. आवर लाइफ रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट इवन वन ऑफ देम not being around us. So children, here they have mentioned that in our family we are having different relations, okay, relatives. What kind of relatives? Here they have mentioned some uncles, some are uncles. कुछ लोग family में हमारे क्या होते हैं, uncles. Uncle हम बेटा किस किस को बोल सकते हैं? एक तो आपके मम्मी के जितने भी भाई बहन होते हैं वो सब आपके अंकल्स होते हैं. आपकी मम्मी के इवन कजन्स ऑल्सो जो जेंट्स होंगे वो आपके अंकल होंगे, ओके. एंड दूसरा, आपके जो पापा हैं, पापा के जितने भी भाई हैं या उनके कजन्स हैं, कजन ब्रदर्स हैं, वो सारे भी आपके अंकल्स कहलाते हैं, ओके. देन आंट्स, आंट किसको हम बोल सकते हैं? अंकल की वाइफ जो होगी वो क्या होगी? आपकी आंट्स. जितने भी अंकल्स होंगे वो उनकी वाइफ्स को हम क्या बोलते हैं? आंट्स. देन उसके अलावा आपके फैमिली में आपके रिलेशन रिलेटिव्स कौन से हैं? ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर को हम शॉर्ट में और प्यार से क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा, ओके. एंड ग्रैंडमदर को हम प्यार से क्या बोलते हैं? ग्रैनी शॉर्ट में. उसके बाद आपकी फैमिली में आपके भैयाज होते हैं एंड दीदीज. भैयाज एंड दीदीज आर कजन्स. ये हमारे कजन जो होते हैं, मतलब हमारे अंकल और आंटी जितने भी होते हैं उनके जो चिल्ड्रन होते हैं आगे, उनको हम क्या बोलते हैं? भैयाज एंड दीदीज. वी हैव अ स्पेशल बॉन्डिंग विद ईच वन ऑफ देम. तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सब में बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग होती है एक दूसरे में. एवरी वन इन द फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर इन द फैमिली, ओके. सो इसमें लास्ट सेंटेंस में बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट होती है विदाउट एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, ओके. जो भी हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं उन सबको हम फैमिली में बहुत ही एक स्पेशल जगह देते हैं और उनको वो हमारे स्पेशल रिलेटिव्स हैं, इसलिए हमारी जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट हम फील करते हैं किसी भी एक मेंबर की कमी हो जाए तो, ओके. सो हमारे चारों तरफ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो हमारे लिए सब इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ सी, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट our relatives during special occasions like birthday and anniversaries. So children,
आपको भी पता है कि आपकी फैमिली में जब भी किसी का बर्थडे होता है या किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है या इवन छोटे छोटे घर में और भी रीजनल फंक्शंस होते हैं, जैसे पूजा पाठ होते हैं या आपके घर में कोई भी ऐसा छोटा मोटा फंक्शन भी होता है, तो हम अपने सारे जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबको हम इनवाइट करते हैं, ओके, इन स्पेशल ओकेजन्स पे। स्पेशल ओकेजन मींस कुछ खास मौकों पे, ओके। सो वी मेक श्योर टू मीट मैक्सिमम ऑफ आर लव्ड वंस ऑन फेस्टिविटीज लाइक होली, दिवाली, राखी, ईद एंड क्रिसमस, पोंगल, गुरुपुरब एटसेट्रा। वी हैव ग्रेट फन इन देयर कंपनी। सो चिल्ड्रन, इन दिस पैराग्राफ दे आर एक्सप्लेनिंग दैट वी ऑल लव एंड टेक केयर ऑफ every family member of our family, and ये हमने बिल्कुल श्योर किया होता है कि हमारे घर में कोई भी festivities क्या है, कोई भी festivals जो होंगे उसमें हम सब एक साथ enjoy करके उस festival को celebrate करेंगे, okay? सो जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ हिंदुओं के फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ क्रिश्चियंस के फेस्टिवल्स होते हैं और कुछ सिखों के फेस्टिवल्स होते हैं, या हमारे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैं वहाँ पे भी डिफरेंट लोग जो हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री, दे सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ their festivals, okay? So उनके बारे में यहाँ पे explain किया है उन्होंने। जैसे होली, दिवाली तो सभी मनाते हैं, राखी भी brother sisters का एक festival होता है, okay? And children mainly enjoy in this। ईद आपको पता है कि मुस्लिम ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, पोंगल जनरली हमारे साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, साउथ इंडियन जो होते हैं वो पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, देन गुरुपुरब सिख जो होते हैं वो गुरुपुरब मनाते हैं, गुरु का जन्मदिन, ओके। सो We have a fun, great fun in their company. So, जितने भी family members होते हैं ये सारे festivals में, वो बहुत ही enjoy करते हैं, उनको बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मज़े से इन सारी festivals को मनाते हैं, और एक दूसरे की company होने से वो इस festival का बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज द रिलेशनशिप विद फैमिली, मींस व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज देयर इन द इन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। सो आफ्टर दिस चिल्ड्रन, आर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, आफ्टर दिस दे हैव गिवन सम एक्सरसाइजेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, एंड Can you tell who's who? Okay, किसका कौन क्या लगता है वो इसमें आपको पढ़ना। तो this exercise part we will study in the next class. So today this much is okay. Or and before concluding my class, let's read about the growing up with values. Every chapter children ends up with the growing up with values, means इस box में कुछ ऐसी values उन्होंने हमको बताई होती हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से
स्टडी भी करना चाहिए और हमें फॉलो भी करना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट वैल्यूज दे हैव रिटन हियर. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर इन द फैमिली. मीन्स हम सबको अपना जो क्वालिटी टाइम है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड करना चाहिए, बिताना चाहिए. ओके, रिमेंबर फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. सो ट्राई टू हैव एटलीस्ट वन मील टुगेदर विद योर एंटायर फैमिली. मीन्स इसमें उन्होंने क्या दिया है कि ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि फैमिली वो ही होती है जिसमें सारे मिलके खाते हैं और मिलके रहते हैं. ओके, फैमिली वो नहीं होती है कि सब अलग अलग अपना अपना खाएं और अलग अलग अपना अपना काम करें और किसी से कोई मतलब ना हो. ऐसी फैमिली फैमिली नहीं कहलाने के लायक होती है. तो फैमिली वो ही होती है जिसमें एटलीस्ट हमको ये ट्राई करना चाहिए कि एक मील, एक टाइम का खाना तो हमें सारे फैमिली मेंबर्स को साथ में मिलके खाना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, साथ में मिलके खाने में क्या होता है? एक तो आपके परिवार में एक दूसरे से आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, आप लोग एक दूसरे को लव एंड अफेक्शन आपका बढ़ता है. फिर खाना खाते टाइम बहुत से चीज़ें हम एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं. जब तक हमारे खाना लग रहा होता है तब तक हम एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करते हैं. एक दूसरे के बारे में हम ये उनको पूछ भी सकते हैं कि आप कैसे हो, एक दूसरे का हाल भी जान सकते हैं. और अगर कोई हमारा फैमिली मेंबर किसी मुश्किल में है या किसी सौरों में है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएटली हमको पता चल जाती है. ओके सो चिल्ड्रन, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू विच दे हैव गिवन एट द लास्ट ऑफ योर चैप्टर. एंड I conclude my class, today's class, with this. In the next class, we will start exercise part of this chapter. Okay, children? So, whatever we have learned today, you revise again, read the chapter again, and try to understand. And if you don't understand anything, you again rewind the video and you can see. And whatever words are new in the chapter, that you try to pronounce it again and again. Okay? So, Jai Gurudev to all of you.